हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि आगे चल के मतलब आप लड़की हैं, करियर बना लिए हैं, शादी भी करेंगे, किस किस्म के इंसान से रिश्ता जोड़ेंगे? इंडस्ट्री के किसी इंसान से? नहीं, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने घर के मर्जी के साथ ही करूंगी, मेरी फैमिली वाले जिससे चाहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। और इवन अगर इंडस्ट्री का हो तो मेरी तरफ फ्रैंक हो, जो चीजों मतलब किसी से डर के दब के नहीं, टू बी जो भी चीजें एकदम फ्रैंकली बोले कि हाँ ये है तो ये है। मतलब जो ऐसे घुसड़पट्टी लोग है ना हमारी इंडस्ट्री में, उस टाइप के लोग नहीं चाहिए मुझे। फिर भी क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से आप शादी करते तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहता है करियर के हिसाब से? नहीं, शादी ब्याह जो चीज होती है वो फायदे और घाटे के लिए नहीं किया जाता है। शादी ब्याह है कि मतलब वो जिंदगी भर चलाना है उसके साथ। हम फायदा घाटा हम कोई डील थोड़ी कर रहे कि फायदा घाटा देखेंगे। अच्छा। तो और इंडस्ट्री के जो लोग उनका कोई गारंटी नहीं है, वो कब किधर करवट मार दे, अभी पता चला आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, तो कोई गारंटी नहीं होती यहाँ के लोगों की। तो फिर भी तो ऐसे माहौल में आप सस्टेन कर सकते हैं, मतलब आप कैसे इतने साल तक काम कर रही हैं? आप खुद बोल रही हैं कि पता नहीं। तो देखो ना, मैं तो वही तो बोले, मैं बहुत फ्रेंकली बात करती हूँ। शायद हो सकता है इसके लिए मुझे भी कमेंट्स में गालियां सुनने को मिले, या हो सकता है जो चीज लोग मेरी बात को समझे वो तारीफ भी करें। मैंने आज तक किसी के साथ काम नहीं किया, ना पवन जी के साथ, ना दिनेश जी के साथ, ना खेसारी जी के साथ, किसी के साथ नहीं। क्यों? सब अपना अपना गोल बना के बैठे हैं कि ये मेरा गोल है, ये मेरी हीरोइन है, ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा प्रोड्यूसर है, ये मेरे आर्टिस्ट है, ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है। वो उनके साथ ही करेंगे भाई, हमारी हीरोइन फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते अपनी हीरोइन। फिल्म चाहे भाड़ में जाए, हिट होए फ्लॉप होए, मुझे मतलब नहीं। तो जब ऑलरेडी ऐसा गोल बना हुआ तो घुसने का जगह ही नहीं है, और हम कोशिश भी नहीं करते। भैया, हम अपने एल्बम से बहुत खुश हैं, अपने स्टेज प्रोग्राम से बहुत खुश हैं, हमको नहीं चाहिए ये सब छींचा लेदर, नहीं चाहिए हमको। अभी हाल ही में देखिए, प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।